के छात्र रवि की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस पर कस्टडी में बड़ी बेरहमी से लाठियों और हाथ की कोहनी से पीटने का भी आरोप है। पुरानी रंजिश में हुई मारपीट के बाद खुद को गुंडों से बचाने के लिए पुलिस थाने पहुंचा था छात्र। कस्टडी में पुलिस के बाद हालत बिगड़ने पर छात्र को पुलिस ने पहुंचाया जिला अस्पताल। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर आरोप 25,000 रुपए देकर अंतिम संस्कार करने का भी लगा है। पीड़ित परिवार ने आरोपी गुंडों और पिटाई करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। पीड़ित परिवार ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाने की भी कोशिश की, जिसमें पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पूरा मामला बिस्वा कोतवाली इलाके का है। एक साल से शायद चल रहा था, वो लकी नाग की वाइफ थी सोनी नाग, तो वो मेरे भाई के साथ चली आई थी। ना भाई मेरा लेने गया था ना जबरदस्ती किया था, वो चली आई थी। फिर यहाँ बोला गया कि आप क्यों आई है, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, हम दोनों लोग राजी हैं तो कुछ नहीं होगा। फिर एक साल बाद वो अपने मन से चली गई और लकी नाग ये बोल रहे हैं कि ये मेरी वाइफ को जबरदस्ती भगा के ले गए हैं। इस विपक्ष में लड़ाई चल रही है, तो उन लोगों ने मेरे भाई को बहुत मारा। क्या पुलिस ने आरोपी को अभी तक पकड़ा है? हाँ, वो कस्टडी में है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ मेरे भाई को मारा गया और इतना मारा गया है कि मेरे भाई की डेथ हो गई और उसको पॉइजन दिया गया है, उसको मुझे झाग निकाला। क्या कह रही है पुलिस? 25,000 रुपए दिए, कहा था वही गाड़ी जला दो, गाड़ी ला नहीं रहे थे पुलिस वाले, बहुत मुश्किलों से आई। अच्छा, अब प्रेशर डाल रहे, कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हैं।